नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बड़े ही विस्तार से समझने वाले हैं आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हेडिंग अनुच्छेद 370 विस्तृत विश्लेषण आर्टिकल 370 डिटेल्ड एनालिसिस। इसके साथ ही इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे अनुच्छेद 35A के बारे में भी। इससे पहले कश्मीर से जुड़ा हुआ एक और लेक्चर कंडक्ट हो चुका है जिसमें हमने बड़े विस्तार से कश्मीर समस्या को समझा है। तो कश्मीर प्रॉब्लम का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमने जो है किया है वो लेक्चर इसी चैनल पर डिकोड एग्जाम पर आपको मिल जाएगा, उसे आप देख लें। अगर आप बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं इस पूरे मामले को कि किस प्रकार से जो है धारा 370 भारतीय संविधान में आई, उसके अलावा जो है 35A, उन सब का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, उन सब पर हमने बड़े डिटेल में बात किया है। इसलिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। हालांकि इस लेक्चर में मैं एक बार आपको जो है रिवीजन, एक क्विक रिवीजन आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो है हम आज के काम को शुरू करते हैं। तो उस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसे जो है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था कश्मीर समस्या का विस्तृत विश्लेषण, ठीक है। इसमें जो है हमने शुरुआत की कश्मीर के इतिहास से और ये सारी चीज़ों को हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सम्राट अशोक के शासन के दौरान कश्मीर जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है 7वीं शताब्दी में कारकोट राजवंश की स्थापना यहाँ पर हुई और उनके एक महान शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में बात की। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से शमसुद्दीन वो पहला जो है मुस्लिम सुल्तान था जो कि कश्मीर का शासक बना, और किस प्रकार से जो है 1339 से लेकर के 1819 तक करीब 5 वर्षों तक कश्मीर पर मुसलमानों का शासन रहा। उसके बाद जो है हमने देखा कि सिख साम्राज्य का हिस्सा बना कश्मीर, और उसके बाद फिर जो है फाइनली वो डोगरा जामवाल राजपूत राजवंश के गुलाब सिंह के पास आया। उसके बाद जो है हमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है देसी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो भारत के साथ जुड़े वो या पाकिस्तान के साथ जुड़े, या फिर वो जो है स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उसके बाद जो है भारत आज़ाद हुआ, और फिर जैसा कि मैंने बड़े डिटेल में चर्चा की है कि पाकिस्तान की नज़र जो है जम्मू कश्मीर पर लगी हुई थी और वो उसे जो है हथियाना चाहता था, और इसी लिए जो है 20 अक्टूबर 1947 को जो है तथाकथित आज़ाद कश्मीर सेना का जो है जो कबीलाई हमलावर थे पश्तून पठान, उन्होंने जो है यहाँ कब्जा किया और बहुत तेज़ी से वो श्रीनगर की तरफ वो जो है बढ़े। और ऐसे समय में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो विलय पत्र था, परिग्रहण पत्र जो था, उस पर जो है महाराजा हरि सिंह ने अपने दस्तखत कर दिए और ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर जो राष्ट्रीय रियासत है वो जो है अब भारतीय संघ का हिस्सा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब यहीं पर कुछ चीज़ें हमें जो है समझना है। वो प्रॉब्लम हम समझ चुके हैं, अब हम संवैधानिक आयाम से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 370 को हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो भारत में विलय हेतु कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर, रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार इन्होंने भारत को सौंप दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने सौंप दिया तो क्या आश्वासन दिया गया उसको आप समझ लीजिए। तो भारत सरकार का आश्वासन कि राज्य का भावी संविधान, ध्यान से सुनिए, भारत सरकार का आश्वासन कि राज्य का भावी संविधान तथा राज्य पर भारत संघ के अधिकार की प्रकृति
तथा प्रसार उस राज्य की संविधान सभा द्वारा तय होगा। किस राज्य की संविधान सभा द्वारा? जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा द्वारा। इस लाइन को देखें, भारत सरकार का आश्वासन कि राज्य का भावी संविधान, ये ध्यान दीजिए, भारत संघ का एक संविधान है, राज्यों का नहीं है, लेकिन इनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट कि राज्य का भावी संविधान तथा राज्य पर भारत संघ के अधिकार की प्रकृति तथा प्रसार उस राज्य की संविधान सभा द्वारा तय होगा। जम्मू कश्मीर राज्य में एक संविधान सभा बनेगी, इससे इसका यह मतलब है, ठीक है। तो इसी बात का आश्वासन देने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहां से 1949 में भारतीय संविधान में जो है 370 को जोड़ दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके बहुत विरोध में खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं इसे ड्राफ्ट नहीं करूंगा, लेकिन अंततः जो है ये भारत के संविधान में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने सारे मैप्स वगैरह देखे थे कि किस प्रकार से जो है युद्ध के दौरान कौन कौन सा क्षेत्र किसके पास चला गया। उसके बाद उस समय के न्यूज़पेपर में जब महाराजा ने जो है भारतीय संघ में मिलने की अपनी घोषणा की, उस समय का ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, यही था जिसके द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों को जो है भारत में मिलाते थे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। उसके बाद इस कहानी के एक मुख्य किरदार शेख अब्दुल्ला के बारे में यहाँ लिखा गया है, ये महाराजा हरि सिंह जो है इनके बारे में, और उनके पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह जो है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर मामला जो है जम्मू कश्मीर का सुरक्षा परिषद में चला गया, और फिर जो है फाइनली हमें जो बात करनी है वो ये कि 1 मई 1991 को जम्मू कश्मीर के राज प्रतिनिधि रीजेंट कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा संविधान सभा गठित करने की घोषणा की, और इसमें जो है मानक बनाया गया कि 40,000 पर एक प्रतिनिधि होगा संविधान बनाने के लिए। भारत का भी संविधान बनाने के लिए हमने जो है संविधान सभा बनाई ना, उसी तरह यहाँ तो भारत में तो 10,00,000 था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 40,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया गया। कुल 100 सीटें थी जिसमें कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रख लिया है, उसको 25 सीटें दी गई, बाकी 43 कश्मीर घाटी को, जम्मू को 30 और लद्दाख को 2 सीटें दी गई, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें तो 1957 को JK का संविधान लागू हुआ। उससे पहले जो महत्वपूर्ण है इसमें जो है वो है शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच हुआ दिल्ली समझौता, और जिसके बाद जो है जे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने ये पुष्टि किया फरवरी 1954 में। क्या पुष्टि किया? संविधान सभा बन गई। तो इसमें ये पुष्टि किया गया कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने पुष्टि की कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। तो ये मान लिया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। कौन सी संविधान सभा? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। ये लिखा था ना, प्रसार और प्रकृति कौन तय करेगा? जो संविधान सभा बनेगी वो तय करेगी। तो उसने तय कर दिया फरवरी 1954 में, ठीक है। तो जब ये तय हो गया तो 14 मई 1954 को एक आदेश निकला जिसका नाम था राष्ट्रपति इसको निकाले, जिससे हम कहते हैं संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना, आदेश 1954, द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन टू JK आर्डर 1954 जारी किया गया, तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ दिया गया। तो कैसे 370 आया और कैसे 35A आया, इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर उससे बात की पूरी कहानी जो है जो हमने देखी थी, भारत पाकिस्तान युद्ध तक हमने बात किया था जो है, उसके बाद अब आ जाते हैं आज के इस लेक्चर पर। तो कमेंट करके तो सबसे पहले ये बताइए कि इतनी तेजी से जो मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तो उत्साह बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब सीधे शुरू करते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई ट्रेडिशनल जो है तरीके से बनी बनाई चीजें मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आर्टिकल्स को ही उठाऊंगा, ठीक है, और आपसे बात करूंगा, ठीक है। सीधे सीधे जो संविधान में लिखा है उसी को हम समझेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम उठाना शुरू करेंगे और चीजों को समझना जो है हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370 है, ये जो है कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे के रूप में क्या क्या मिलता है वो सारी बातों को हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे। हालांकि एक बात आपको और भी बताऊं,
जो है आर्टिकल 371 के तहत जो है बहुत सी राज्य सरकारों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, वो 12 हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा है उसकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ का अपना एक अलग ध्वज है, यहाँ का अपना संविधान है, जो है बहुत दिनों तक यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा नहीं लागू था, और बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके जो है देखेंगे, ठीक है, उसको भी समझेंगे। तो अब क्या है, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी संवैधानिक बातें हम कर लें। तो यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 21वें भाग में समाविष्ट है। तो ये जो अनुच्छेद 370 है ये भारतीय संविधान के 21वें भाग में है, जिसका शीर्षक है, एक चीज आपको बताऊं, पॉलिटी जब भी पढ़िए तो किसी भी आर्टिकल के शीर्षक को, उसके हेडिंग को जरूर पढ़िए, उससे बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि इसकी हेडिंग क्या है, क्या लिखा गया है। जब जो है भाग 21वां लिखा गया है तो क्या हेडिंग दी गई है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने कुछ हेडिंग दिया है ना, तो उसी तरीके से क्या उसमें लिखा गया, तो इसमें जो है लिखा गया है अस्थाई, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान। अस्थाई, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान, तीन तरह के प्रावधान इसमें हैं, अस्थाई, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है इसमें लिखी गई हैं। अब सीधे सीधे जो है हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 का शीर्षक क्या है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि इन तीनों में से अनुच्छेद 370 का क्या है। तो यहां पर जो है देखिए क्या लिखा है, अनुच्छेद 370 के शीर्षक के शब्द हैं, इसकी हेडिंग है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थाई प्रावधान, यानी आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं है, यह टेम्पररी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसे हटाया जा सकता है, ये अस्थाई है। ये तो केवल संविधान में एक अंतरिम व्यवस्था को संचालित करने के लिए डाला गया था, ये परमानेंट नहीं था। जो वहाँ पर विलय पत्र के बाद की चीज़ें हुई, घटनाक्रम, उसमें एक आश्वासन के रूप में, एक आश्वासन जो भारतीय संघ ने दिया था जम्मू कश्मीर राज्य को, उसके उसको एक जो है लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए इसे संविधान में डाला गया था। तो शीर्षक क्या कहता है, अभी वहां एक कमेटी बनी थी स्वायत्तता के लिए कमेटी, और उसको वहां की विधानसभा ने पारित किया, तो उसमें एक मांग यह भी है कि ये जो अस्थाई प्रावधान लिखा है इसको लिखिए अस्थाई प्रावधान, जो है परमानेंट प्रोविजंस, इसको टेम्पररी शब्द को हटाइए, उसमें मांग की गई है। उसमें कुछ मांगे ये भी हैं कि पहले जो है जम्मू कश्मीर का जो हेड ऑफ स्टेट होता था उसे सदर ए रियासत कहा जाता था, पहले लेक्चर में हमने डिटेल में इस पर बात की है, और जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता था उसे वजीर ए आजम कहा जाता था, यानी प्रधानमंत्री। तो ये उसमें मांग की गई है कि उसी व्यवस्था को बहाल किया जाए, यानी जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री को वजीर आजम और वहां के राज्यपाल यानी हेड ऑफ स्टेट को क्या कहा जाए, तो सदरे रियासत। ठीक है, तो ये हमने समझा, तो ये क्या है, अस्थाई है। अब धीरे धीरे करके इसे जो है डिकोड हम करते हैं। ठीक है, डिकोडिंग हम शुरू करते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। तो इस आर्टिकल में जो जो लिखा है चीजें उसी को हम देखते हैं। तो इसमें पहला जो है अनुच्छेद 370 एक ए, आर्टिकल 371 ए क्या कहता है, तो यह कहता है कि अनुच्छेद 370 एक ए के अनुसार अनुच्छेद 238 के प्रावधान
राज्य पर लागू नहीं होते। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो तीन तरह के राज्य बनाए गए, ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के राज्य, ग्रुप सी के राज्य। लेकिन बाद में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो है 14 राज्य बना दिए गए और फाइनली ग्रुप जो थे ए बी सी डी उनको हटा दिया गया। तो इसलिए जो है 7वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान चला गया 238, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं अभी, ये इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, अब आगे बढ़े। अनुच्छेद 371(b) के अनुसार संसद की शक्ति संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। संघ सूची यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, इन दोनों पर, संघ सूची तो भारत की सरकार की है ही, उसके अलावा समवर्ती सूची पर भी वो कानून बना सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, रेस्ट ऑफ स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है अंतर समझते चलिए। के अनुसार संसद की शक्ति संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है, जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में लिखित विषयों, ब्रैकेट में क्या लिखित विषय था मैंने बताया, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, उस स्लाइड में लिखा हुआ। तो रक्षा, विदेशी मामले, संचार का हिस्सा है या नहीं, मतलब समझिए कि कोई विषय विलय पत्र में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें वो विषय शामिल है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा। तो हिस्सा है या नहीं इसका निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्य सरकार से परामर्श करके भारत के राष्ट्रपति इसका निर्णय करेंगे, ये स्थिति। अगला, अनुच्छेद 370(1)(c) के अनुसार भारतीय संविधान के केवल दो अनुच्छेद 1 और 370 राज्य पर लागू होंगे। अनुच्छेद 370(1)(c) के अनुसार भारतीय संविधान के केवल दो अनुच्छेद 1 और 370 राज्य पर लागू होंगे यानी जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। अन्य आर्टिकल्स को अगर लागू करना है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है आगे देखिए। अनुच्छेद 370(1)(d) क्या बताता है कि अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेदों को राज्य पर लागू होने के संबंध में दो नियम बताता है। कौन बताता है, तो आर्टिकल 370(1)(d) दोनों नियम क्या है। पहला, विलय पत्र में लिखित विषयों से संबंधित आदेश राज्य सरकार के परामर्श से ही जारी किया जा सकता है। विलय पत्र में लिखित विषयों से संबंधित आदेश राज्य सरकार के परामर्श से ही जारी किया जा सकता है। जहां परामर्श शब्द हो गया वहां कोई जो है जरूरी नहीं, बातचीत कर लिए लेकिन राष्ट्रपति आदेश कर देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए, विलय पत्र से भिन्न, विलय पत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसका फोटो मैंने आपको दिखाया था, तो विलय पत्र से भिन्न विषयों से संबंधित आदेश राज्य की सरकार के सहमति से ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब जो दिल्ली समझौते की बात हमने किया था शेख अब्दुल्ला और जो है भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच, तो वो क्या है, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच हुए दिल्ली समझौते में यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के लंबित रहने तक भारत सरकार की अधिकारिता राज्य के संबंध में किन विषयों पर होगी। जो दिल्ली समझौता हुआ उसमें क्या तय किया गया कि उसमें तय किया गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के लंबित रहने तक, वो तो बहुत बाद में जाकर के बना जो है संविधान, और संविधान सभा भी बनते बनते 1951 आ गया, रहने तक भारत सरकार की अधिकारिता राज्य के संबंध में किन विषयों पर होगी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश दिल्ली समझौते के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश निकाला गया जिसे संविधान ब्रैकेट जे एंड को के को लागू होना आदेश 1954 कहा गया, ठीक है। तो यह पूरी प्रक्रिया हुई। आगे जो है
तो ये जो अनुच्छेद 370 है, इसका जो प्रावधान है उसको जो है समय समय पर परिवर्तित किया गया और जिसकी शुरुआत हुई 1954 से। ठीक है, संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 1954 से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों को जो है जम्मू कश्मीर पे लागू करवा दिया गया। ठीक है, नहीं तो शुरुआत में तो स्थिति एकदम अलग थी। तो क्या क्या लागू हो गया उसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समय समय पर परिवर्तित किया गया जिसकी शुरुआत 1954 से हुई। संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना 1954-35 से भी इसी के समय है। तो 1954 में क्या क्या हुआ, तो चुंगी केंद्रीय आबकारी नागरिक उड़यन और डाक तार विभाग के कानून व नियम जम्मू कश्मीर को लागू किए गए। ठीक है, बी 1958 में आईएएस और आईपीएस यानी अखिल भारतीय सर्विसेज राज्य में नियुक्ति प्रारंभ हुई। तो एक बात समझ लीजिए कि 1958 से पहले जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवा नहीं थी, यानी जो है अगर आप आईएएस और पीसीएस बनते थे तो आपको जम्मू कश्मीर में सेवा नहीं करनी होती थी। ठीक है, लेकिन अब लागू किया गया। ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं का जो अधिकारी होता है खास करके आईएएस और आईपीएस, वो जो है केंद्र का उस राज्य में प्रतिनिधि होता है, संघ का उस राज्य में प्रतिनिधि होता है और एक प्रकार से जो है कंट्रोलिंग भी इनके माध्यम से होती है। तो ये महत्वपूर्ण कदम था कि जो है जम्मू कश्मीर काडर भी एक बना। जम्मू कश्मीर काडर नहीं था 58 से पहले। ठीक है, आगे क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनना प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे जाकर के ये हुआ कि हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर की है उसके निर्णय के विरुद्ध निर्णय सुनने का अधिकार किसको मिल गया, तो जो है सुप्रीम कोर्ट को मिल गया भारत के, इससे पहले ये नहीं था। और जो वो स्वायत्तता के लिए रिपोर्ट आई और जिसको उन्होंने पास किया है 2000 में, उसमें ये भी लिखा गया है कि जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो फैसला हो वो अंतिम हो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील ना हो सके, लेकिन यहाँ से अपीलिंग शुरू हो गई। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 356 और 357 राज्य पर लागू किया गया। तो राष्ट्रपति शासन अब जम्मू कश्मीर पर लागू, तो राष्ट्रपति शासन का भी प्रावधान हो गया। उसके अलावा 1965 में क्या किया गया, तो वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री तथा सदर ए रियासत हेड ऑफ स्टेट की जगह राज्यपाल पदनामों का प्रारंभ हुआ। तो 1965 में ये हुआ, उससे पहले आप शेख अब्दुल्ला की प्रोफाइल खोलिएगा विकिपीडिया पे, तो वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर शब्द लिखा हुआ आप पाएंगे, लेकिन जो है 65 के बाद जो है चीफ मिनिस्टर शब्द आप पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। आप कर्ण सिंह का प्रोफाइल खोलेंगे तो उसमें लिखेगा कि सदर ए रियासत जम्मू कश्मीर, लेकिन बाद में लिखेगा गवर्नर जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी राज्यपाल। पदनामों का प्रयोग प्रारंभ तथा राज्य की विधानसभा के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी प्रारंभ हो गई। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहां कौन कर रहा था, यहां की विधानसभा कर रही थी। तो इस प्रावधान को भी बदला गया और यह प्रावधान किया गया कि नहीं, राष्ट्रपति भारत के जो है जैसे हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की भी नियुक्ति करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समय समय पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है उसको जो है हमने देखा। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे जो है इस पे लागू किया गया। ठीक है, अब जो है बात हम करेंगे अनुच्छेद 35A के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इस की चर्चा जो है हम बहुत अधिक सुन रहे हैं इस समय। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 370 का एक विस्तार है अनुच्छेद 35A, और जो है ये अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार देता है, कई तरह के विशेष अधिकार, जैसे जम्मू कश्मीर
कि अगर आप निवासी नहीं हैं तो जम्मू कश्मीर में आप जो है जमीन नहीं खरीद सकते। अगर जम्मू कश्मीर के आप निवासी नहीं हैं तो वहाँ नौकरी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो जनसांख्यिकी है जम्मू कश्मीर की, उसको बचाने के लिए जो है आर्टिकल 35A को जो है भारतीय संविधान में डाला गया है। नेहरू जी भी इसके पक्ष में थे और नेहरू जी ने जो है बोलते हुए ये कहा कि ब्रिटिश राज में भी कश्मीर के महाराजाओं ने जो है ये प्रावधान वहाँ बनाया गया था, जो अभी है कि वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते। तो इस तरह का प्रावधान जो है राजाओं के समय से ही था, यानी डोगरा राजाओं के समय से जब राष्ट्रीय रियासत होती। तो नेहरू जी का कहना था कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने राष्ट्रीय रियासत के शासकों से बहुत सारी शक्तियाँ छीन ली थी, लेकिन फिर भी एक चीज़ जिस पर जो है राजा एकदम खड़े थे कि ये नहीं होने देंगे, वो ये था कि बहुत बाहरी निवासियों को यहाँ हम जो है नहीं बसने देंगे। वहाँ के राजा का डर यह था कि बहुत सारे अंग्रेज, एक अच्छा मौसम होता है कश्मीर में, उसे तो स्वर्ग कहा जाता है धरती का, तो बहुत अंग्रेज जो है जमीन वगैरह खरीद करके यहाँ व्यवसाय शुरू कर देंगे और यहाँ बस जाएंगे, ये राजा का डर था। तो नेहरू जी कहते हैं कि सब अधिकार जो है धीरे धीरे ब्रिटिश छीनते चले गए राजाओं का, लेकिन इस बात पर राजा एकदम डटे रहे कि नहीं, जो है बाहरी व्यक्तियों के लिए हम सीधे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, और वो सी चीजें चलती रही राजाओं के समय से। तो अब जो है जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, मतलब आजादी के बाद भी, उनकी भी ये मांग है और मेरे हिसाब से ये जायज भी है, इस तरह की बातें हुई थी। तो अब आ जाएं आर्टिकल 35 ए पर। तो अनुच्छेद 370 का यह विस्तार है, यह जम्मू कश्मीर के राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधानमंडल को शक्ति देता है, ठीक है। तो पहला तो ये कि परिभाषित किया जाए कि कौन जम्मू कश्मीर का निवासी है, ठीक है। जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे भारत बना ब्रिटिश इंडिया से, भारत आज़ाद हुआ, तो हमने भी नागरिकता डिफाइन करना शुरू किया कि भाई कौन नागरिक होगा, तो वो चीज़ जो है डिफाइन करेगा। और उसके अलावा इस अनुच्छेद के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कैसे विशेषाधिकार हैं? स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। क्या है? तो राज्य में अन्य राज्य के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व के लिए अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। इसी आर्टिकल के, ये आर्टिकल हट जाएगा तो फिर जो है भारत के किसी हिस्से का व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर जो प्रोटेक्टेड किए गए हैं, उन क्षेत्रों को छोड़ करके आप भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन जम्मू कश्मीर में, चूंकि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का हिस्सा है, उसके बाद भी ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना वहाँ पर जो है आप नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर की नागरिकता, जम्मू कश्मीर के लोगों की दो नागरिकता है, एक भारतीय नागरिकता है और एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता, ठीक है। तो अगर जम्मू के आप निवासी हैं तभी जो है जम्मू में नौकरी कर सकते हैं, कश्मीर में नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का निवासी भारत में कहीं भी बस सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है, ठीक है। तो ये दोहरा रवैया, अगर ये 35A जाएगा, जैसे कि ये बात हो रही है कि ये समस्या कैसे सुलझेगी, तो यही बात हो रही कि डेमोग्राफी को चेंज करिए, वहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। अब ये है कि डेमोग्राफी को चेंज कर दीजिए, अब पता चले कि जैसे बम्बई में, दिल्ली में जाकर के उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग बस गए हैं, तो ये अगर आर्टिकल 35A हट जाए और सबको अधिकार मिल जाए कि जमीन खरीदने के लिए, तो यहाँ यूपी बिहार से जो है बहुत ज़्यादा संख्या में अगर ट्रेनों को सीधे जो है जम्मू तक के लिए चला दिया जाए, तो फिर पता चलेगा कि 10-20 साल तक जो है ये इधर के लोगों की डेमोग्राफी वहाँ अधिक हो जाएगी, वो लोग कम हो जाएंगे, तो आवाज़ें दब सकती हैं, ऐसी एक बात जो है। हालांकि इसे ढंग से व्यवस्थित करके एक जो है सल्यूशन के रूप में लाया जा सकता है और आपके जो है ऐसे लिखने में, एंसर राइटिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है कि अगर 35A हट गया तो ऐसा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये पहली बार हुआ है, जो है तिब्बत पर जब अधिकार किया, ये तो हमारा भिन्न हिस्सा है, लेकिन जब चीन ने तिब्बत को हड़पा तो हान चीनियों को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत में बसाना शुरू किया कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाए।
तो अगर कश्मीर घाटी के मुसलमानों से दो गुने जो है इधर के लोग कश्मीर में रहने लगेंगे तो क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना की रक्षा करना है। अच्छा, अनुच्छेद 35 ए पर जो है इस आधार पर प्रश्न उठाया जाता है कि इसे बिना किसी संविधान संशोधन किए हुए 1954 में संविधान में जोड़ दिया गया, उसका हिस्सा बना दिया गया राष्ट्रपति के केवल आदेश से। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन होना चाहिए था, लेकिन ये राष्ट्रपति के आदेश से ही जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 370 तो फिर भी जब संविधान बन रहा था तब जोड़ा गया, वो लागू नहीं हुआ था, उससे पहले ही अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया था उसमें जो है। हालांकि उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसके शीर्षक में कि टेम्पररी है, अस्थाई प्रावधान है, लेकिन ये 35 ए तो राष्ट्रपति के शासन से के आदेश से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके लिए जो है कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया है और इसलिए इसके जो है प्रासंगिकता पर, इसके संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को मुख्यतः जो फैक्ट के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से जरूरी हैं, वो कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हैं, यानी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के तहत क्या क्या स्पेशल राइट्स जो है जम्मू कश्मीर राज्य को दिया जा रहा है, उसको समझ लें। इतनी बात तो हम किस लिए किए, ताकि जो है इनके के स्पेशल राइट्स को तो समझ ही लें कि क्या क्या इनके पास विशेषाधिकार है, ये भारत के अन्य 28 राज्यों से किस प्रकार से अलग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर राज्य के नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राज्य की विधानसभा के पूर्व सहमति आवश्यक है। तो यहां क्या, राज्य के नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राज्य की विधानसभा के पूर्व सहमति आवश्यक है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, संसद को कोई जरूरत नहीं है राज्य से पूछने की। लेकिन यहां क्या क्या कहा गया, राज्य के नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राज्य की विधानसभा की पूर्व सहमति, और यहां ध्यान दीजिए परामर्श नहीं लिखा है, पूर्व सहमति चाहिए। सहमत होगी विधानसभा तभी यह कर पाएंगे, वहां की विधानमंडल सहमत होगी तभी हो पाएगा, उस वो डिनाई कर जाएगी कि नहीं तो नहीं होगा। आगे, यहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता है प्राप्त है, तथा नौकरी, संपत्ति और निवास के विशेषाधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को ही प्राप्त है, इसके बारे में हमने बात किया ना, तो इन्हें तो दोहरी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों के निवासियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कहां, जम्मू और कश्मीर में। भारतीय संविधान के भाग 4 में लिखित DPSP यहां लागू नहीं होते, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यहां लागू नहीं होते। अनुच्छेद 19 को छोड़कर यहां सभी मूल अधिकार लागू होते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है, जो कि मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया भारतीय संविधान में, वो यहां पर लागू होता है, वहां ये मूल अधिकार है, जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राज्य पर यहां की राज्य सरकार की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकती, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी जो है जब लगेगी तो यहां की राज्य सरकार की सहमति की जरूरत है, बिना सहमति के नहीं हो सकता, शेष भारत में अलग प्रावधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्य पर लागू होता है, किंतु अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल यहां पर लागू नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है लेकिन वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता है। उसके अलावा संसद को राज्य के विषय में कुछ अपवादों को छोड़कर संघ सूची, यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट पर विधि बनाने की शक्ति है। देखिए एक बात समझिए, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो है बहुत सारे 1954 के बाद जो है नए नए आदेश निकाल कर, नए नए ऑर्डर निकाल करके बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर लागू किया गया, ठीक है। तो उस हिसाब से तो संसद को राज्य के विषय में कुछ अपवादों को छोड़ करके संघ सूची, यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट पर विधि बनाने की शक्ति है, किंतु अवशिष्ट विषयों, ये अवशिष्ट विषय जो है सेंटर का अधिकारिता का है, ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यूअल सब्जेक्ट पर राज्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को है, संसद को नहीं है। राज्य के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास ही है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, तथा छठवीं अनुसूची, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित यहां राज्य पर लागू नहीं होते, कश्मीर पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं जारी कर सकता। और भारतीय संविधान के एंग्लो इंडियन तथा दलित वर्गों के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते, भारतीय संविधान के एंग्लो इंडियन और दलित वर्ग के प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होते। तो ये सारे जो है जम्मू कश्मीर राज्य के विशेषाधिकार, उसके स्पेशल जो है उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो है, ठीक है। तो हमने आर्टिकल 370 की बात कर ली, एक बैकग्राउंड भी हमने देख लिया जो है हिस्टोरिकल, उसके अलावा हमने आर्टिकल 35A की भी बात कर ली, और जो है अब जो स्पेशल राइट मिले हुए हैं जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, इसकी भी हमने बात कर ली, और जो है ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब इसमें जो है एक लेक्चर हमें इस प्रकार से कंडक्ट करना है कि क्या जो है आर्टिकल 370 को जो है हटाया जा सकता है, अगर हटाया जा सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो इसे हम एक अलग लेक्चर में समझेंगे जो है। यह लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ इस एकदम नए बने हुए प्लेटफार्म डिकोड एग्जाम को अपना प्यार लाइक के रूप में, शेयर के रूप में, सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर जो है दें। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को नमस्कार।